एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ बेबी। बच्चे का जो शुशु का रास्ता होता है बेबी बॉय का, उन्हें खोलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उन्हें समय रहते नहीं खोला जाए तो फिर बाद में बच्चे खुलवाते भी नहीं हैं, वो भागते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, और दूसरा फिर उसके बाद उन्हें खोलना मुश्किल हो जाता है, फिर वो अपने बस की बात नहीं रह जाती है। तो क्योंकि मेरे भी दो बेबी बॉय हैं, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने किस तरह से बेबी का जो शुशु का रास्ता होता है उसे कैसे खोलना चाहिए, ये एक मदर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि हम मदर ही होते हैं जो बच्चों की मालिश करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो मैं अपना अनुभव आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको बेबी रिलेटेड बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेबी की जब आप मालिश करते हैं तो ये काम आपको सबसे पहले तभी करना चाहिए कि जब आप बेबी की फुल बॉडी मसाज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बेबी के शुशु का रास्ता खोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि किस मंथ से बेबी के शुशु का रास्ता खोलना स्टार्ट करना चाहिए, तो ये आप बिल्कुल शुरुआत से ही कर सकते हैं, जब से अपने बच्चे की मालिश की है, बेबी का जन्म हुआ है, और उसके बाद से कुछ कहीं कहीं तो तुरंत बाद से ही बच्चे के पैदा होने के नेक्स्ट डे से ही मालिश स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं डॉक्टर कहते हैं कि 1 वीक रुक जाइए, क्योंकि बच्चे के जो नाभि के पास जो प्लेसेंटा का थोड़ा सा पार्ट्स लगा रह जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि जब ये पार्ट निकल जाए, जब ये पार्ट रिमूव हो जाए, आप मालिश करना शुरू कर सकते हैं। तो सब कुछ लोग 7 डेज तक वेट करते हैं, जब वो सूख के निकल जाती है उसके बाद मालिश स्टार्ट करते हैं, वहीं कुछ लोग तुरंत कर देते हैं 1 दिन के बाद ही। वो आपका आपकी मर्जी पर है कि आप कब मालिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपने मालिश स्टार्ट की है बच्चे की, तभी से ही आपको बच्चे के शुशु का रास्ता भी खोलना शुरू कर देना चाहिए। शुरुआत में क्या करना है आपको कि जब आप बच्चे की पूरी फुल बॉडी मसाज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बच्चे के शुशु पर थोड़ा सा जो भी आप ऑयल डाल यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो आप कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल ही यूज़ करिए, वही बेटर रहता है। तो अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं या सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपको बेबी के शुशु वाले रास्ते पर थोड़ा सा उस तेल को रखना है, ताकि वो जगह थोड़ी सी लुब्रिकेंट हो जाए। अगर आप ऐसे ही ड्राई वो है और उसी पर आप फूंक मारेंगे, तो इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है। अब तो क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, वो रोएगा ही, उसको पेन फील होगा तो रोएगा ही। तो बेटर है कि उस जगह को आप थोड़ा सा लुब्रिकेंट कर लीजिए, वहाँ पर आप ऑयल की 1 ड्रॉप रख दीजिए, बहुत ज़्यादा ऑयल मत रखिएगा, वरना वो पकड़ में भी नहीं आएगा, फिसलने लगती है हाथ से। थोड़ा सा 1 बूंद आप ऑयल रखिए वहाँ पर। उसके बाद आपको वो जो बच्चे के शुशु के एरिया वाली जो स्किन है ऊपर की, आपको उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, और वहाँ पे आपको धीरे धीरे फूंक मारना है। फिर उस जो स्किन है ऊपर की, आपको उसको थोड़ा सा पकड़ के ऊपर करना है, फिर उसमें फूंक मारना है। ऐसे 3 से 4 बार आपको फूंक जो है थोड़ी तेज़ से मारना है। तो धीरे धीरे, ये 2-4-10 दिन में नहीं होने वाला काम है, इसमें टाइम लगता है। तो इसलिए आपको धीरे धीरे, जब आप ऐसे रोज़ करेंगे तो वहाँ वो स्किन जो है वो धीरे धीरे स्ट्रेच होती जाएगी, और स्ट्रेच होने के बाद वो धीरे धीरे खुलने स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये भी है कि जब आप बच्चे को नहलाने जाएं, तो नल को आप हल्की एक पतली सी धार जैसी खोल लें, और वहाँ पर बच्चे का जो शुशु वाली पोर्शन है, तो जो उसके बच्चे की जो अपर स्किन है शुशु वाले एरिया की, आप उसको ऐसे थोड़ा सा खोलेंगे तो धार सीधे बच्चे के पेनिस पे जाएगी, शुशु वाले एरिया पे जाएगी, तो वो धीरे धीरे स्ट्रेच होगी और वो एरिया खुलना शुरू हो जाएगा। तो अब इस मैटर है, जो वो जो ऊपर की स्किन है ना, वो थोड़ी सी पीछे की तरफ जानी चाहिए, तभी पता चल जाता है कि बच्चे की शुशु वाला एरिया जो है वो खुल चुका है। तो उस जो ऊपर की स्किन है बच्चे के शुशु वाले एरिया की, आपको उसको पीछे करना है। वो जितनी पीछे जाएगी, इसका मतलब है कि बच्चे की जो शुशु वाला एरिया वो परफेक्टली खुल चुका है। तो आपको यही ट्राई करना है कि मालिश के टाइम पर आपको वहाँ पे 1 ड्रॉप ऑयल रख के फूंक मारना है, और दूसरा वहाँ पे आपको पानी की 1 धार से बूंद डालनी है नहलाते समय। इतना करिए, इससे बच्चे का शुशु वाला एरिया खुल जाएगा। होप सो कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।